हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सबका टॉप 10 क्लासेज के करंट बैच में, और मैं हूं आपका मैथमेटिक्स मेंटर, और मैं आपको गणित पढ़ाऊंगा, और गणित की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। तो और आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज हम सबसे पहले क्लास 6 का जो हमारा सिलेबस है उसके बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं, हमें क्लास 6 में क्या क्या पढ़ना है। तो हम लोग जानते हैं जो हमारा सिलेबस है, सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है, तो हमारे चैप्टर के नाम क्या क्या हैं उनके बारे में हम लोग अच्छे से अध्ययन कर लेते हैं। फिर इसके बाद हम लोग टॉपिक टू टॉपिक उनके बारे में क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो हमारा सबसे पहला जो हमारा कक्षा 6 का गणित है वह प्रकाशन क्या होगा, हमारा जो प्रकाशन है वह राजकीय प्रकाशन का बुक होगा। कौन सी प्रकाशन की होगी, राजकीय प्रकाशन की बुकें होंगी, और उनमें हमारा जो सबसे पहला चैप्टर है अध्याय 1 जिसे हम लोग कहते हैं प्राकृतिक संख्या। क्या है डियर स्टूडेंट, प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या क्या होती है, एक से लेकर अनंत तक हमारी प्राकृतिक संख्या होती हैं। उसके बारे में हम लोग जानेंगे, प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है, उन्हें लिखा कैसे जाता है, हमारा इकाई क्या होता है, दहाई कैसे होता है, सैकड़ा कैसे होता है, हजार में कैसे लिखा जाएगा। फिर इसके बाद हमारा सेकेंड अध्याय जो आता है, हमारा दूसरा अध्याय आता है पूर्ण संख्याएं। डियर स्टूडेंट, जो हमारा दूसरा अध्याय है पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याओं के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, जो हमारी प्राकृतिक संख्या होती है, प्राकृतिक संख्या में अगर हम लोग जीरो को जोड़ दें तो जो प्राप्त होगी संख्या वह क्या कहलाएगी प्यारे बच्चों, पूर्ण संख्या कहलाएगी। पूर्ण संख्याओं के बारे में अध्ययन करेंगे। और जो हमारा तीसरा अध्याय है पूर्णांक, जो हमारा तीसरा अध्याय है डियर स्टूडेंट वह पूर्णांक है। पूर्णांक क्या होता है, आप लोगों के मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि पूर्णांक क्या है। पूर्णांक हमारा धनात्मक एवं ऋणात्मक संख्याएं, धनात्मक एवं ऋणात्मक संख्याएं हमारा पूर्णांक कहलाती हैं। धनात्मक एवं ऋणात्मक संख्याएं हमारा क्या कहलाती हैं, पूर्णांक कहलाती हैं। पूर्णांक हमारा धनात्मक भी होता है और ऋणात्मक भी होता है। और अध्याय 4 हमारा जो है सांख्यिकी, क्या है डियर स्टूडेंट, सांख्यिकी जिसे हम लोग इंग्लिश में स्टैटिक्स बोलते हैं उसके बारे में अध्ययन करेंगे। और अध्याय 5 हमारा जो है बीजगणित अवधारणा है, क्या है डियर स्टूडेंट, बीजगणित अवधारणा। बीजगणित जो हमारा बीजगणित की उत्पत्ति कैसे हुई, बीजगणित का परिचय क्या होता है, चर राशि क्या होती है, अचर राशि क्या होती है, इन सब के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। और अध्याय हमारा 6 आता है बीजी व्यंजक, बीजी व्यंजक क्या होता है, अध्याय 6 में हम लोग अध्ययन करेंगे। अध्याय 7 हमारा जो है ज्यामिति अवधारणा है, क्या है डियर स्टूडेंट, ज्यामिति अवधारणा। जैसे हम लोगों को त्रिभुज पढ़ना हो, क्या पढ़ना हो, त्रिभुज पढ़ना हो, क्या हमारा क्या है, ज्यामिति के अंतर आएगा। जैसे हम लोगों को क्या पढ़ना है, पिरामिड पढ़ना है, क्या पढ़ना है डियर स्टूडेंट, पिरामिड पढ़ना है। तो पिरामिड का अध्ययन जो होगा इसका क्षेत्रफल क्या होगा, इसकी लंबाई क्या होगी, इसकी चौड़ाई क्या होगी, इन सब के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे ज्यामिति अवधारणा में। फिर अगला हमारा आता है जो चैप्टर अध्याय 8 है हमारा कोण होता है, क्या है डियर स्टूडेंट, कोण होता है। कोण क्या, जैसे हमारा यह देख लीजिए आप लोग, यह हमारा कौन सा कोण है, न्यून कोण होता है। कोण हमारा क्या होता है, दो रेखाओं से बनने वाली आकृति, दो रेखाओं से बनने वाली जो हमारी आकृति होती है वह क्या कहलाती है, कोण कहलाती है। कोण कई प्रकार के होते हैं, हम उसका अध्ययन करेंगे। कोण का परिचय क्या होता है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। फिर हमारा अगला अध्याय आता है अध्याय 9, लंब और समांतर रेखाएं। जिस प्रकार आप लोग डियर स्टूडेंट आप लोग ट्रेन देखे होंगे, ट्रेन की पटरियाँ किस रूप में बिछी होती हैं, समांतर रेखाओं के रूप में। यह देखिए, जैसे हमारी एक ट्रेन की पटरियाँ हो गई, यह किसके रूप में होती हैं, समांतर रेखाओं के रूप में होती हैं। और उसी में हम लोग लंब अध्ययन करेंगे, क्या अध्ययन करेंगे डियर स्टूडेंट, लंब के बारे में अध्ययन करेंगे। और हमारा अध्याय 10 जो हमारा अध्याय 10 है लघुत्तम एवं समाप्त वर्तक ज्ञात करेंगे, क्या अध्ययन करेंगे, लघुत्तम एवं महत्तम समाप्त वर्तक। जो हमारा लस है,
आप लोगों को कक्षा 2 से 3 से अध्ययन कराया जाता है कि हमारा क्या होता है, ल से क्या होता है, म से क्या होता है। फिर अगली क्लास में आप लोग इसको बारे में ल से म से के अध्ययन करने के बाद हम लोग वर्गमूल एवं घनमूल के बारे में अध्ययन करेंगे, वहाँ पर भी एकदम मोस्ट इम्पोर्टेंट होगा। तो हमारा जो अध्याय 10 है लघुत्तम एवं क्या है महत्तम समाप्त वर्तक है। फिर अगला अध्याय हमारा 11 समीकरण, क्या है डियर स्टूडेंट समीकरण। जैसे हमारा समीकरण होता है ax² + bx + c = 0, यह हमारा क्या है समीकरण है, समीकरण है, इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो प्यारे बच्चों हमारा जो अध्याय 12 है, अध्याय 12 में हम लोग वाणिज्य गणित के बारे में पढ़ेंगे जिसे हम लोग कॉमर्स बोलते हैं। आगे चलकर यही वाणिज्य गणित हमारा साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, मूलधन, मिश्र धन, इन सब का हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो हमारा अध्याय जो 12 है इसमें हम लोग वाणिज्य गणित के बारे में अध्ययन करेंगे। और हमारा नेक्स्ट चैप्टर जो है अध्याय 13, इसके अंतर्गत हम लोग त्रिभुज का अध्ययन करेंगे, त्रिभुज का परिचय क्या होता है, त्रिभुज के कितने प्रकार होते हैं, त्रिभुज को किस तरह से हम लोग प्रदर्शित करते हैं, इन सब का बारे में अध्ययन करेंगे। और इसके बाद हमारा अध्याय 14 जो आता है वह वृत्त है, क्या है हमारा अध्याय 14, अध्याय 14 हमारा जो है डियर स्टूडेंट वृत्त है, वृत्त के बारे में अध्ययन करेंगे। अध्याय 15 हमारा सममितता है, क्या है डियर स्टूडेंट सममितता है। फिर अध्याय 16 हमारा क्षेत्रमिति है, क्या है क्षेत्रमिति है, इन सब के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। और आप लोग से विशेष अनुरोध है कि आप लोग अपने पाठ्यक्रम अपना स्टार्ट होने से पहले वीडियो को पूरा देख लीजिए, हमें कौन कौन से टॉपिक को पढ़ना है फिर कौन कौन से टॉपिक को नहीं पढ़ना है। तो आप लोग जब श्योर हो जाएंगे हमें अपने टोटल 16 अध्याय को पढ़ना है और इनके पहले पहले अध्याय का जो हमारा प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या को हम एक तरफ से स्टार्ट करेंगे और आप लोग उसको अपना सिलेबस बनाते हुए नोट्स बनाते हुए चलेंगे। और जो आपका कोई डाउट दिया होगा, अगर आपका कोई डाउट है तो डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप लिंक दिया हुआ है, आप वहां से जाकर डिस्क्रिप्शन से जो लिंक है उससे व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन होकर यहां के जो टॉप फैकल्टीज हैं आपको फिजिक्स से संबंधित, केमिस्ट्री से संबंधित, मैथ से संबंधित अगर आपका कोई समस्या आता है तो उसका हम लोग क्या करेंगे आपसे समाधान करेंगे। आप लोग अपना फोटो खींचकर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर भेज दीजिए और आपके सारे समस्या का समाधान वहीं पर कर दिए जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट आज की वीडियो को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।